राम राम भाइयों, क्या हाल चाल है। तो आज करके आ रहा हूँ वर्कआउट में अमेज़ फिट बीफ 5 के साथ में। काफी तगड़ी सी वॉच लगी मुझे और फिटनेस के मामले में नहीं ये वॉच कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल रहने वाली है। तो फटाफट से डिटेल में बातचीत करेंगे कि एक अच्छी एक्साइटिंग वॉच जो है अमेज़ फिट यहाँ पे लेकर आया है। डब्बे की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो वही आपको अमेज़ फिट का नॉर्मल जो डब्बा पैकेजिंग देखने को मिलती है, जिसमें बीफ 5 की ब्रांडिंग वगैरह कर रखी है, कुछ की हाइलाइट्स बैक की साइड दे रखे। कंटेंट पैकेज की बात करेंगे तो आपको मैनुअल मिल जाएगी, वारंटी कार्ड मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए वो है चार्जिंग केबल, जिसके थ्रू आप इसको चार्ज करने वाले, और आपकी मेन वॉच। अब मेन वॉच को लेके बात करूं तो वॉच जो फील है वो काफी अच्छा दे रही है, मतलब लुक जो है मुझे अच्छे लगे पर्सनली। अब बॉडी मटेरियल की बात करूं तो दो बॉडी मटेरियल आपको हमें मिल जाते हैं। पहला तो सिलिकॉन आपका मिल जाएगा, जो आपके स्ट्रैप्स यहाँ पे 22 mm के, जिनको आप चेंज वगैरह कर सकते हो जब भी आपको लगे ऐसा लग रहा है कि हमें दूसरे लगाना है, इजीली लगा सकते हो। लॉकिंग सिस्टम इसका काफी अच्छा लगा मुझे, ये जो क्लासिक लॉक सिस्टम नहीं आता अपना वो पिन वाला, वैसा आपको जो यहाँ पे सिस्टम देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको वो एप्पल वाला टच भी यहाँ पे दे रखा है, तो स्ट्रैप आपका जो है बाहर निकलेगा भी नहीं, अंदर की तरफ चले जाता है। अब रही बात मेन बॉडी को लेकर, तो जो आपका डायल है वो आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है। साइड में आपको यहाँ पे एक बटन भी दे रखा है, इसमें बैक साइड में आपके यहाँ पे सेंसर वगैरह मिल जाएंगे, चार्जिंग पॉइंटर आपको मिल जाएगा, और बाकी आपको मिल जाता है एक माइक्रोफोन और स्पीकर कॉलिंग वगैरह के लिए। बात करूं मैं इसके टॉप को लेके, तो आपको कर्व्ड थोड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके चलते होता क्या ना कि आपका जो साइज फैक्टर हो जाता है रिस्ट को लेके। काफी लोगों को दिक्कत होती है कि हम लोग वॉच खरीद लेते हैं बट फिर हमारे हाथ पे फिट नहीं होती है, सूट नहीं होती है, तो यहाँ पर वो दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अगर आपकी मीडियम रिस्ट है और आपकी ब्रॉड रिस्ट है, तो ये वॉच जो है डेफिनेटली आपके हाथ पे जो काफी जचेगी, काफी अच्छी लगेगी, और फील जो है वॉच का डेफिनेटली काफी अच्छा। अब ग्लास जो इन्होंने यूज कर रखा है 2.5D टेम्पर्ड ग्लास यूज कर रखा है विद एंटी फिंगरप्रिंट जो है आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगी, तो फिंगरप्रिंट सच में इसमें जो है कम नजर आते हैं अगर आप इसको टच कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो पर्सनली ग्लास की जो क्वालिटी है वो काफी आपको प्रीमियम यहाँ पे मिल जाती है। अब सवाल देखो डिस्प्ले को लेकर आते, तो डिस्प्ले साइज मुझे बहुत अच्छा लगा, 1.91 इंच का ये डिस्प्ले है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है, और अगर डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर बात करूं तो पिक्सल रेजोल्यूशन जो यहाँ पर उन्होंने यूज कर रखा है वो है 240x260। PPI थोड़ा सा कम लगा मुझे, थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, मतलब कि पिक्सल की जो डेंसिटी है वो कहीं ना कहीं अगर बेहतर होती है तो आपको जो खुद की इमेजेस वगैरह लगा रहे हैं जो शार्पनेस है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, बट स्टिल काफी अच्छी लग रही है क्योंकि साइज को जो है मैटर यहाँ पे कर रखा है, क्वालिटी कहीं ना कहीं आपको डिस्प्ले में देखने को मिलती है। IPS पैनल इन्होंने यूज कर रखा है, AMOLED यूज करते तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है, बट IPS पैनल जो इन्होंने यहाँ पर यूज कर रखा है वो भी बेहतर यूज कर रखा है। ब्राइटनेस वगैरह आपको मोर देन इनफ मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको ब्राइटनेस कम फील हो रही है, ब्राइटनेस में थोड़ी डलनेस है, तो एज सच डिस्प्ले क्वालिटी में कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इवन जो आउटडोर ब्राइटनेस की आपसे हम लोग बात करते हैं, तो आप आउटडोर ब्राइटनेस में भी आपको वॉच जो है विजिबल हो जाती है, क्वालिटी में ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है यहाँ पर। और वेग गेस्चर वगैरह आपको मिला था ट्विस्ट अप करने पे, आपका जो डिस्प्ले है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑन हो जाता है। अब रही बात देखो बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर, तो अप टू 10 डेज जो है ब्रांड का क्लेम है, 5 डेज तो मतलब आपकी एवरेज परफॉर्मेंस में चल जाएगी क्योंकि कॉलिंग फंक्शन जो है यहाँ पर दे रखा है। अब कॉलिंग के टाइम पर जब हम लोग बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा बैटरी कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो अप टू 10 डेज परफॉर्मेंस आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। स्टैंड बाय जो है आपको 24 डेज का देखने को यहाँ पर मिल जाता है। अब देखो वाटर रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको IP68 रेटिंग मिल जाएगी इस डिवाइस के साथ में, तो कहने के वाटर एंड डस्ट से आपको प्रोटेक्शन डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 100% वाटर प्रूफ नहीं है बट आप स्विमिंग के टाइम पे इसको डेफिनेटली पहन सकते हो, आराम से स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं। डेप्थ इन डेप्थ वाटर में जाते हैं तो वाटर का प्रेशर होता है तो वो खराब कर सकता है, बट अगर आप नॉर्मली इसको यूज कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, शावर है बारिश है कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वॉच को पहन सकते हो। सेंसर को लेकर बात करो तो यहाँ पर आपको बायोट्रेकर PPG बायोमेट्रिक सेंसर देखने को मिलता है, जो कि बैक साइड में आपको नजर आएगा, और क्वालिटी जो है सेंसर की आपको बेहतर मिल जाती है। साथ आपको मिलेगा यहाँ पे 3-axis मोशन सेंसर, 4 satellite पोजिशनिंग सिस्टम, और कनेक्टिविटी के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा ब्लूटूथ 5.2। तो ये तो होगी पूरे हार्डवेयर को लेके बातचीत, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ZEP OS 2.0 को लेके। अब ZEP OS 2.0 के साथ ये जो वॉच है आपको मिलती है अपडेटेड UI है, जो कि कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील भी देता है, अच्छा लुक भी देता है, प्लस अगर आप इसको यूज करोगे तो एक्सपीरियंस आपका बेहतर रहने वाला है। टॉप सेटअप पे आप देख सकते हैं आपको टॉगल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपकी ब्राइटनेस हो गई, आपका कितना बैटरी परसेंटेज है, DND मोड्स वगैरह है, साइलेंट में डालना हो साइलेंट में डाल सकते हो, आपको यहाँ पे ब्राइटनेस को कम करना है तो थिएटर मोड टाइप दे रखा है, इवन लॉक लगाना तो लॉक लगा सकते हैं, सारी चीजें आपको जो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नीचे से करने पे आपका यहाँ पर एक्टिविटी या फिर प्रोग्रेस रिमाइंडर्स वगैरह जो भी आपकी नोटिफिकेशन वगैरह आती हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। साइड से करने पे आपकी जो भी हेल्थ ट्रैकिंग है उनको आप यहाँ प्रॉपर ट्रैक आउट कर सकते हो, म्यूजिक वगैरह प्ले करना है तो म्यूजिक वगैरह भी प्ले कर सकते हो। अदर साइड से ओपन करने में आपको सेम चीज देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोगों ने देखोगे ना गूगल फीड वगैरह जैसे कुछ होते हैं ना, वैसे आपको यहाँ पे फीड देखने को मिलती है, जहाँ पे आपके छोटे छोटे जो आइकन्स बने हुए हैं और आप सारी जो इन्फॉर्मेशन एक ही बार में चेकआउट कर सकते हैं। सेंटर टच करेंगे तो आप कुछ वॉच फेसेस वॉच में हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, जिनको आप यहाँ पर ईजिली जो है चेंज कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से आपके वॉच फेसेस यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। तो UI का जो इंट्रैक्शन है स्मूथ है, फंक्शन काफी अच्छा मिल जाता है, दिक्कत नहीं आएगी और पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा ही मिलेगा।
अब बात करूंगा देखो फंक्शनैलिटी को लेके, क्योंकि वॉच इतना ज्यादा क्लेम करती है अपने फीचर्स को लेके, तो यहाँ पर कहाँ स्टैंड आउट करती है, तो हेल्थ पर्सपेक्टिव एक मेजर कंसर्न हो जाता है। और अब हेल्थ पर्सपेक्टिव को लेके जब भी मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर SPO2 HR आपकी मोशन ट्रैकिंग, ये तीनों चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। और क्वालिटी को लेकर बात करूँ, जो सेंसर का जो परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है, काफी क्लोज टू क्लोज आपको जो है रीडिंग देखने को मिल जाती है। और Amazfit इसीलिए मतलब जाना जाता है, क्योंकि अब क्वालिटी ऑफ सेंसर जो है, जो ट्रैकिंग है, जो इनका सिस्टम है, एल्गोरिदम है सॉफ्टवेयर बेसिस पे, वो काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है, तो जिसके चलते आपको ऐसी दिक्कत नहीं आती और ट्रैकिंग क्लोज टू क्लोज मिल जाती है मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट के मुकाबले। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं SPO2 की बात करूं, आप SPO2 की रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं, काफी सही दिख रही है, HR रीडिंग्स भी आप चेकआउट देख सकते हैं, आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इवन आप यहाँ पर देखेंगे आपकी जो आउटडोर एक्टिविटी ट्रैकिंग, कितना आपने स्टेप्स चला है, कितने आपने कैलोरीज बर्न कर रखी है, फुल इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर वॉच में अवेलेबल हो जाती है। स्लीप मॉनिटरिंग भी आपको मिल जाती है, स्लीप मॉनिटरिंग की बात करूँ तो काफी इफेक्टिव है इनकी, मतलब अगर आप चेकआउट करेंगे तो कंपेरेटिवली आपको प्रॉपर ट्रैकिंग दिखाता है कि आपने कितना हार्ड स्लीप किया, लाइट स्लीप किया है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर जो उसकी फिटनेस ट्रैकिंग है उस पर तो कोई सवाल नहीं उठता है। अब एसेंशियली जो GPS वाली चीज आती है ना, बिल्ट इन GPS वाली चीज, ये बहुत इफेक्टिव है उन लोगों के लिए अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर आप एक एथलीट हो, क्योंकि अगर आप रनिंग के लिए जा रहे हो या फिर आप वर्कआउट करने के लिए निकले हो घर से, तो आपको एक प्रॉपर ट्रैकिंग देखने को मिलेगी, आपकी पोजिशन आपको देखने को मिलेगी, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, कितना आपने ट्रैकआउट किया है, डिटेलिंग सब है आपके, जैसे कितनी कैलोरीज बर्न हुई, कितने रन, कितनी स्पीड से आप रन कर रहे हो, हर एक इन्फॉर्मेशन जो है आपको देखने को मिलती है। और ये सैटेलाइट वाली चीज आपको दिखाती भी है आपके एप्लीकेशन में कि आपने कहाँ कितना ट्रैकआउट किया है, तो दिस इज वेरी गुड थिंग। और इसी के चलते आपको थोड़ा सा बेहतर जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जैसे कि मैंने बात करी थी, अगर आप एक एथलीट हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आपके लिए ये सारी चीजें काफी एसेंशियल बन जाती हैं। रदर देन दैट, अगर हम लोग बातचीत करें दूसरी चीजों को लेकर यहाँ पर, तो आपको ब्लूटूथ कॉलिंग वाली फंक्शनैलिटी मिल जाती है। ब्लूटूथ कॉलिंग वाली फंक्शनैलिटी काफी सीमलेस लगी मुझे। अब UAE में तो तीन चीजें आपको मिलेगी, डायल पैड मिलेगा, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स मिलेगा और आपकी कॉल हिस्ट्री मिल जाती है, तो वो आपके पूरे यहाँ पर है। बट सबसे खास चीज आती है कॉल की परफॉर्मेंस कैसी मिलने वाली है, तो फटाफट से एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो इस वॉच के माइक्रोफोन से आ रही है, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ही वॉच देगी जब भी आप इसको कॉलिंग के टाइम भी यूज करेंगे। अब यहाँ पर 120 प्लस स्पोर्ट्स मोड भी दे रखे हैं, तो आप अगर एक्टिविटी करने जा रहे हैं, निकले हैं कि भाई क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, अब ऑन कर लो एक्टिविटी स्कोर, आप देखो कि आपको ट्रैकिंग कितनी प्रॉपर देखने को मिलती है, तो ये एक्टिविटीज का प्रॉपर यूज ले सकते हो यहाँ पर। साथ ही में फीमेल्स अगर ये वॉच परचेस कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे फीमेल हेल्थ साइकिल ट्रैकिंग जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और प्लस यहाँ पर आप जो है मेंबरशिप कार्ड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इनका, जिसके चलते आपको काफी सारे बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं इनके एप्लीकेशन के थ्रू। वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, म्यूजिक वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं आप यहाँ पर, अलार्म क्लॉक वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हो, कैलेंडर भी आपको प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पर, तो प्रॉपर आप कैलेंडर से शेड्यूल भी कर सकते हैं अपनी चीजों को। बाकी आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखने को मिल जाती है, कभी कभी स्ट्रेस फील कर रहे हो तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज यहाँ पर कर सकते हो। स्टॉप वॉच है, काउंट डाउन है, फाइंड माय फोन है, टू डू अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर वॉच में लिस्ट बना सकते हैं, बट उसको आपको एप्लीकेशन से ऐड करना पड़ेगा, तो वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता क्या बन जाती है आपको, यहाँ पर 70 प्लस एप्लीकेशन जो है आपको इसके ऐप में मिल जाएंगे, जिनको आप अपनी वॉच में ऐड कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको गेम्स वगैरह इन्जॉय करना, तो काफी सारे जो है इसमें गेम्स वगैरह इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं जो कि आपको ऐप के अंदर नजर आएंगे। साथ इसमें आपको काफी सारे और भी चीजें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि VO2 मैक्स है, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो यहाँ पर आपको डिफरेंट एक्सरसाइज के जो है आपको वर्चुअल असिस्टेंट आपकी वॉच में मिल जाता है। लाइक फॉर अगर आपको एब्स लगाना है तो यहाँ पर आप वर्चुअल असिस्टेंट अपनी वॉच में ऐड कर सकते हो, जिसके चलते आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं और आपको प्रॉपर वर्कआउट दिखाता है कि आप कौन कौन से वर्कआउट्स यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। ऐड करना काफी इजी, आप एप्लीकेशन इनको ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने अभी इसको ऐड कर दिया है, ट्रांसफर हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जब आ जाएगा तो फिर आप इसको प्रॉपरली यूज कर पाओगे। और भी काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, कैलोरीज इंटेक्स वगैरह आप किस तरीके से करते हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो, आप प्रॉपर ट्रैक कर सकते हो कि आपने क्या खाया है, तो आप उसी कैलोरी इंटेक्स वगैरह पे BMI आपको मिल जाता है, ब्रश टीथ वगैरह दे रखा है, वाटर टाइम, बहुत अच्छे अच्छे आपको एप्लीकेशन यहाँ पर जो है देखने को मिल जाते हैं। कुछ गेम्स वगैरह भी हैं, और अगर बच्चों की हम लोग बात करते हैं, बच्चे भी अगर इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उनके लिए जो है उसमें गेम्स वगैरह और फीड्स वगैरह जो है आप ऐड कर सकते हो आपकी वॉच में। बट इन सारी एप्लीकेशन में जो मुझे सबसे खास एप्लीकेशन लगी थी, जो कि अभी करेंट सिनेरियो के सबसे बहुत बेहतर बन जाती है इस वॉच में, AI चैट यानी कि ChatGPT जो है वो आपको आपकी वॉच पे मिल जाता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, आपको प्रोवाइड कर रखी है। डेफिनेटली आपके फोन से आपको कनेक्टेड रखना पड़ेगा, तभी जाके चीजें जो यहाँ पे वर्क करेंगी। नेविगेशन आपको देखने को मिल जाता है, तो आप अगर जैसे कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और आपने अपने फोन से कनेक्ट कर रखा है, तो आपको नेविगेशन जो है प्रॉपर आपकी वॉच पे ही नजर आ जाएगा। तो ये वाली चीज मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी, आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। और एक और एप्लीकेशन जो सबसे काम में आती है वो है कैलकुलेटर, तो वो भी आपको यहाँ पर जो है मिल जाता है।
तो ऐसे एप्लीकेशन अपने हिसाब से आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। अब इनसे भी एक खास चीज आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर एलेक्सा। एलेक्सा आपको जो बिल्ट इन यहाँ पे मिल जाता है, जिसके चलते आप वॉच पे कमांड्स वगैरह दे सकते हैं, इससे प्रॉम्प्ट भी ले सकते हैं। अगर आपको अलार्म लगाना तो आप अलार्म भी लगा सकते हैं इसे प्रॉम्प्ट देके। टाइमर वगैरह सेट करना है, कॉल वगैरह लगाना है तो वो भी आप कर पाएंगे, बट इसके एप्लीकेशन से आपको पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको अमेज़न एलेक्सा की ऐप जो है, आपका लॉग इन जो है वो आपको करना पड़ेगा, और वो आप एप्लीकेशन से जाके कर सकते हैं। करने के बाद जो है फिर भाई साहब आपकी वॉच जो है प्रॉपर वर्क करती है, और इवन आप इसको कमांड्स देकर लाइट्स वगैरह भी टर्न ऑफ और टर्न ऑन कर सकते हो। अब बाकी वो सेटिंग्स वगैरह के लिए आपको इसकी जो मेन सेटिंग है उसमें जाना पड़ेगा, जहाँ पे वॉच फेस और टाइम सेट कर सकते हो, डिस्प्ले की आप सेटिंग वगैरह कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ानी हो या फिर आपको स्क्रीन टाइम बढ़ाना है तो वो आप चीजें यहाँ पे कर सकते हो। साउंड एंड वाइब्रेशन वाली चीज अगर आपको करनी है तो वो भी यहाँ पे दे रखी है, प्लस यहाँ पे वॉइस ब्रॉडकास्ट भी दे रखा है। वर्कआउट के टाइम पे जब आप देखेंगे आपको वॉइस प्रॉम्प्ट मिलते हैं तो वो भी यहाँ पर आप एनेबल कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी है उसका बढ़ा दो, अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपको कॉल वगैरह आएंगे और फील काफी अच्छा आता है, वाइब्रेशन फीडबैक काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। बाकी तो आपको यहाँ पे वर्कआउट ऐड करने हैं तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। जीपीएस आपको एनेबल करना है तो आप इनेबल कर सकते हो। डिटेक्शन अगर यहाँ पे बात करें हम लोग, ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन भी आपको देखने को मिलता है, तो काफी सारे वर्कआउट्स को तो ये ऑटो डिटेक्ट भी कर लेता है। तो ये कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब मैं बात करूंगा इसके जैप एप्लीकेशन को लेकर, तो यहाँ पर एप्लीकेशन में आपको वॉच फेस मिल जाते हैं बहुत सारे, जिसको आप अपने वॉच पर लगा सकते हो, खुद का फोटो लगाना तो वो भी आप लगा सकते हो। बाकी देखोगे तो हेल्थ मॉनिटरिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाती है, नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स वगैरह यहाँ पर हैं जिनको आप एनेबल कर सकते हो, जिन जिन एप्लीकेशन की आपको चाहिए। ऐप स्टोर की मैंने ऑलरेडी बात करी थी, यहाँ पे आप ऐप स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हो आपकी वॉच में। और वॉच की सेटिंग में चलते हैं तो यहाँ पर आपको विजिट वगैरह एडिट करना हो, कंट्रोल सेंटर है, डीएनडी वगैरह, जितनी भी सेटिंग्स हैं जो वॉच पर अवेलेबल है वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। इवन आपको लॉक लगाने का ऑप्शन भी दे रखा है, तो पासवर्ड लॉक लगा सकते हो आप वॉच में, ताकि आपका जो पर्सनल डाटा वगैरह वो स्टील ना हो, स्पेशली आपके जो SMS वगैरह आते हैं, OTPs वगैरह आती हैं तो वो कहीं ना कहीं जाएगी। नंबर्स ऐड कर सकते हो, आपके फेवरेट कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो, और आपको यहाँ पर शॉर्टकट वगैरह जो कार्ड्स वगैरह हैं उनको आप मैनेज कर सकते हो। सारी सेटिंग्स जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाती है। अब कंक्लूजन की बातचीत कर लेते हम लोग इस वॉच को लेकर, तो देखो प्राइसिंग जो है वो 8,000 रुपए रखी है। अभी करेंटली आपको अमेज़न पे 8,000 रुपए मिल रही है, डिस्काउंट आएगा सेल वगैरह में तो 7,000 या 7,000 के नीचे भी आपको मिल सकती है। अब ये वॉच किन लोगों के लिए बन जाती है? पर्सनली देखो, मैंने जैसे बात कही थी कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है और एक अच्छी वॉच आप चाह रहे हैं अंडर 10,000 रुपीज के प्राइसिंग में, विद सम गुड फीचर, GPS वगैरह जैसे आपको चाहिए और एक्टिविटी ट्रैकिंग के हिसाब से आपको प्रॉपर चाहिए, तो फिर ये वॉच आपके लिए कहीं ना कहीं बन जाती है। और स्पेशली जो Amazfit जैसे ब्रांड में बिलीव करते हैं उन लोगों के लिए भी वॉच कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक अच्छा चॉइस बन जाती है। मुझे जो कॉन लगा वो सिर्फ AMOLED वाला कॉन लगा था, कि AMOLED होती तो थोड़ा सा और बेहतर होता। बाकी इन ओवरऑल टर्म्स की वॉच काफी अच्छी है। अगर आपको चेकआउट करना है, मन बन रहा है इस वॉच को खरीदने का, तो डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी। बाकी अच्छा लगा है भाई का कंटेंट तो लाइक जरूर से कर देना, नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि मुलाकात और ये प्यार जो आगे भी बना रहे। बाकी मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटन रहेगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।